मित्रों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड हाउ कैन बी स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द एग्जाम यू विल रीड ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी केयरफुली। सबसे अच्छी तरह से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं और ना ही समझते हैं, और हम उस क्वेश्चन का गलत आंसर दे के आते हैं। नंबर टू पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी उन क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट मत करिए जिनमें आपको डाउट्स हो। आप उन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन पहले लिखिए जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। हर एक क्वेश्चन के बीच में दो तीन लाइन का गैप जरूर छोड़ें। क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वही क्वेश्चन अपनी आंसर कॉपी में लिखें, और रफ कार्य की अगर आवश्यकता है तो किसी भी लेफ्ट हैंड साइड पेज पर रफ वर्क कर सकते हैं और इसको एक सिंपली क्रॉस साइन से कट करके छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो उन डाउट्स वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में आप सॉल्व करिएगा। प्यारे बच्चों, हम स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चंस की लिस्ट आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक से मिल जाएगी। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको बोर्ड परीक्षा के बीच में गैप मिला हुआ है, उस गैप का पूरी तरह से फायदा उठाइए और लिखकर प्रैक्टिस करिए। अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को तैयार करिए और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होगा। आप इस आशा के साथ एग्जाम में जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हियर इज द लिंक एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। So dear, you can see that here some important information for you, and you can see that here is a practice test, that is sample paper test for you for the preparation of board examination. So now you can see here, just now you will get the question paper in the examination, that is in the board examination. So total marks of the question paper will be 40 marks, and total sections in the question paper, there are 3 sections in the question paper, and you will get section A, section B and section C. And total questions in this question paper, it will be contains total 14 questions. Okay, and the total timing for solution of these 14 questions, you will get 2 hours. And here in section A, you will get total 6 questions, and also you will get here 2 internal choice in this section. And dear,
two questions you will get internal choice, so you will get total 8 questions in section A and you will attempt only 6 questions, and these questions are internal choice, means it will be, you will get just like that or question 5 or in the option or. And in section B you will get total 4 questions and there are one internal choice you will get in this section, one question, okay. And after that in section C once again you will get 4 questions and here you will also get a one questions as internal choice. And there in the section number A you will get questions all 2 marks and in the section number B you will get each questions of 3 marks and in the section number C you will get all questions of 4 marks. So dear, this is the pattern of the question paper, but in section C you will get 2 questions as case study based question. In section C you will get 2 questions, these are case study based question. So there are total 14 questions in all over question paper and you will get 2 hours for solving these 14 questions and total mark of the questions is 40. So dear, here is the sample paper for you. You will solve this question paper and the link of the question paper you will get just into the description box, and here you will also get the solution of this question paper. The link of the solution of the question paper is also you will get just into the description box. So you can click on the link, then you will get the question paper. And also if you click on the second link, then you will get the solution of the question paper. So wish you all the best for the future. Thank you so much.